सॉरी डर क्यों रहे हैं? आराम से आराम से। क्या क्या नाम है आपका? सॉरी। अच्छा सुना था बासठ राहुल गांधी ने जो बोला है, क्या अच्छा लगा उसमें? बहुत कुछ अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा बताइए? हैं किसके साथ आए हैं? पैदल ही हैं। किसके साथ आए? आपके साथ आए हैं? अकेले हैं। इनके दिल के अंदर राहुल गांधी को देखने की एक इच्छा थी। अच्छा। वो इन्होंने आज पूरी की है। अच्छा। इस भीड़ में आपने देखा कि लाखों की जो भीड़ थी उसमें इनकी एक इच्छा थी कि हम राहुल गांधी को अपनी आंखों से देखें। जो आने वाले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको इन्होंने अपनी आंखों से देखा, लगभग कोई 20-21 फुट दूरी से। इनको किसी ने बुलाया नहीं है, ये किसी के साथ नरेगा के कोई कर्मचारी नहीं है, ये अपने दिल से आए हैं। ठीक है, अब 4 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनको देखने जाओगे? हाँ जाएंगे। देख लो तो बिल्कुल जाएंगे सर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी जाएंगे। आप भी जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, हम इसलिए जाएंगे, बिल्कुल कांग्रेस का वर्कर है हम, उनको इस दिन इसलिए देखने जाएंगे क्योंकि वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे वाले नेता को तो पप्पू कहते हैं और मैं उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा गप्पू कहता हूँ। अच्छा आप नेता खुद ही पप्पू बोल रहे हैं? हम तो बिल्कुल यार, लोग कह रहे हैं ये बात पर हम नहीं मानते। वो जो हमारी दूसरी विपक्षी पार्टी है वो हमारे नेता के खिलाफ बड़े बड़े बयान करते हैं, हम कोई थोड़ी सी बात कह दें वो उनको बात को बतंगड़ बना देते हैं। बना देते हैं? कौन सी बात को बतंगड़ बनाया बताइए? सारे एक बात को बतंगड़ बना रहे हैं। वो उन्होंने हनुमान जी की जात तक पूछ ली उन पार्टी को, यानी कि हमारे जो भगवान हैं जिन जो हमारे एक इष्ट देवता है उनको एक चुनावी रंजिश के तहत उनको भी उन्होंने चुनाव के दौरान मध्य में खींच लाए। किसने जाति पूछी हनुमान जी की? बिल्कुल आपने, योगी आदित्यनाथ जी ने। मेरे को ये बताइए कि क्या आपके पास बयान नहीं है वो? सर उन्होंने जो बयान दिया था मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं, मीडिया में बहुत गलत तरीके से वो बयान चलाया गया। उन्होंने एक ही लाइन में सारी बातें बोली जो आप सुन सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाइए, उन पर खबर लगी हुई है, तो वो बयान थोड़ा मिसइंटरप्रेट करके आया है। अब मैं पूछता हूँ राहुल गांधी के ऊपर, आपने बोला कि लोग उनको पप्पू कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, आपने बोला नामदार कहते हैं प्रधानमंत्री आजकल, क्या जवाब देंगे इस चीज़ का? मतलब मैं समझा नहीं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में राहुल जी का नाम ना लेके नामदार शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या जवाब दोगे? देखिए एक ये उन्हें जो राजनीति मिली है राहुल जी को वो एक विरासत के तौर पर मिली है। उनके यानी कि जो पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी बलिदानियाँ की है। मेरे को एक भी ऐसा कोई बीजेपी का कोई एक बड़ा लीडर ऐसा बता दीजिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ भी कुछ किया हो। और एक बता दूं, नामदार तो उन लोगों को बोलते हैं जिनके कोई पूर्वज किसी चीज़ की पैतृक संपत्ति में, इनको जो राजनीतिक विरासत जो मिली है वो एक पैतृक मिली है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नेता को नामदार कहते हैं। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।